नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ सेंट्रल पब्लिक एकेडमी। आई एम प्रदीप एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फ्रॉम ज्योग्राफी पोर्शन। दिस इज चैप्टर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ड्रेनेज। इन दिस वीडियो वी विल कवर डेफिनेशन ऑफ ड्रेनेज, ड्रेनेज बेसिन, various patterns of drainage and something more. So let's begin with drainage. In Hindi drainage is known as apwah. क्या होता है अपवाह, क्या होता है ड्रेनेज, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ड्रेनेज इज नथिंग बट it refers the system of a river of an area. It refers the river system of an area. What is river and river system? If we talk about river system, it includes the origin of river or the source of the river. उद्गम, जिसको उद्गम बोला जाता है, नदी कहाँ से निकली है, कहाँ से उसका जन्म हुआ है, बर्थ प्लेस। ये नदी कहीं से भी निकल सकती है, लेक से निकल सकती है, इट में भी ग्लेशियर, जैसे गंगा नदी ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री से, गंगोत्री इज द नेम ऑफ द ग्लेशियर। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है इसकी कुछ सहायक नदियां। जैसे कोई रिवर है और इस मेन स्ट्रीम में, जैसे सपोज गंगा है और गंगा नदी में इलाहाबाद में यमुना आकर के मिल जाती है, यमुना इस गंगा में, सो दिस यमुना इज ट्रिब्यूटरी फॉर द रिवर गंगा। गंगा नदी के लिए यमुना क्या हो गई? सहायक नदी हो गई। तो रिवर सिस्टम में ओरिजिन यानी कहाँ से नदी निकली है, ये भी इंक्लूड होता है। इसके साथ साथ ट्रिब्यूटरीज यानी कौन सी सहायक नदी इसमें आकर मिले, ये भी इंक्लूड होगा। फिर माउथ, जहाँ पर नदी अपना बहाव जो है बंद कर देती है, बहना बंद कर देती है, वो किसी बड़े वाटर बॉडीज में जाकर के मिल जाती है। इट मर्जेस इन अ लार्जर वाटर बॉडीज, इट मे बी लेक, इट मे बी सी और ओशन। जब नदी बहते हुए जाती है किसी जगह पर, हो सकता लेक में, बड़े से लेक में जाकर के मिल जाए, या हो सकता सी में मिल जाए, जैसे गंगा नदी जाकर के बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है तो, और यहाँ पर डेल्टा बनाती है, तो ये जो है माउथ ऑफ द रिवर हो गया। ये ओरिजिन हो गया, यहाँ से नदी निकली है, और ये इसको हम बोलते हैं कोर्स, बीच वाले को बोलते हैं कोर्स। इस कोर्स के दौरान इसमें कई सारी सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं, हो सकता है इसमें से कोई नदी निकले, कोई स्ट्रीम ओरिजिनेट हो, और फिर ये यहाँ नदी किसी लार्जर वाटर बॉडीज में आकर मिल जाती है, इसी को हम बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर, या इसको डेस्टिनेशन भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया रिवर सिस्टम। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? ड्रेनेज। ड्रेनेज इज नथिंग बट द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। और रिवर सिस्टम क्या है मैंने बता दिया है। रिवर सिस्टम में ओरिजिन आता है, नदी कहाँ से निकली है, ट्रिब्यूटरीज, इसमें कौन सी सहायक नदियाँ आकर के मिली हैं, और ये कहाँ पर जाकर के खत्म होती है, ये होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ड्रेनेज बेसिन। व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन? बेसिन किसको कहते हैं? तो ड्रेनेज बेसिन इज इफ अ सिंगल रिवर ड्रेन्स एन एरिया देन दिस एरिया इज नोन एज ड्रेनेज बेसिन। अगर किसी एक नदी द्वारा किसी क्षेत्र में बह रही है तो वही उस नदी की का क्या हो जाएगा? बेसिन हो जाएगा। हम जानते हैं कि अमेजॉन हैज द लॉन्गेस्ट ड्रेनेज बेसिन इन द वर्ल्ड। फिर हम बात करेंगे वेरियस पैटर्न्स ऑफ ड्रेनेज, कि ड्रेनेज के कैसे पैटर्न्स हैं,
ये पैटर्न क्या है? पैटर्न का मतलब होता है कि प्रतिरूप किस रूप में नदी बह। सो वेरियस पैटर्न्स ऑफ ड्रेनेज, वेरियस पैटर्न ऑफ ड्रेनेज का मतलब होता है कि कोई रिवर सिस्टम है या कोई नदी है तो ड्यूरिंग इट्स कोर्स ये बहाव के दौरान किस रूप में बहती है, ये बिल्कुल सीधे जाती है या बहुत टेढ़ा मेढ़ा होकर बहती है, कैसे किस रूप में बहती है, किस आकार में बहती है। तो इसमें द वेरी फर्स्ट पैटर्न ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इज डेंड्राइटिक। व्हाट इज डेंड्राइटिक? डेंड्राइटिक उस एरिया में ये क्रिएट होता है जहां पर नदी स्लोप के सहारे विद द हेल्प ऑफ स्लोप, अगर कोई रिवर है तो यहाँ स्लोप मिला है और इस ये कुछ ऐसे जा रही है और एक जैसा मालूम पड़ता है जैसे पेड़ भरा है, वृक्ष के आकार का, वृक्षाकार भी इसको प्रतिरूप बोलते हैं। ये रिवर है, यहाँ से निकल रही है, ये ओरिजिन प्लेस है, ये ओरिजिन है, ये ऐसे बह रही है और स्लोप होने के कारण कुछ ब्रांच इधर से निकल जाता है, कुछ इधर से। इट मीन्स इन दिस पैटर्न ऑफ ड्रेनेज सिस्टम द मेन स्ट्रीम ऑफ द रिवर विल रिजेंबल अ ट्री थिंग। वेरियस पैटर्न ऑफ ड्रेनेज जो है वो डिपेंड करता है स्लोप पर, कहाँ कैसा स्लोप है, ज़्यादा है कम है कैसा है, फिर रॉक स्ट्रक्चर या रिलीफ पर, किस तरीके का रॉक है वहाँ पर या रिलीफ कैसा है वहाँ पर, फिर क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है वहाँ पर। नेक्स्ट जो पैटर्न है ड्रेनेज का वो है ट्रेलिस। ट्रेलिस वहाँ पर होगा जहाँ पर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक विल बी देयर इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होंगे। सपोज ये एरिया कोई इस एरिया ये और ये एरिया सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, एक बगल में है ये हार्ड है, रिवर यहां से फ्लो कर रही है और सॉफ्ट वाले एरिया में कोई ब्रांच कोई भी स्ट्रीम फ्लो कर रही है और ये आकर के यहां पर मिले ट्रिब्यूटरीज के रूप में। दिस ब्रांच इज नोन एज ट्रिब्यूटरी फॉर दिस रिवर। तो ये लगभग राइट एंगल पर, राइट एंगल 90 डिग्री जानते हैं, राइट एंगल पर मिल रही है लगभग। अब ऐसा नहीं कि हम स्केल से नापेंगे तो ही राइट एंगल होगा, ये लगभग राइट एंगल पर मिल रही है और ऐसा इसलिए हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्ड एंड सॉफ्ट नेचर ऑफ द रॉक। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेलिस कहेंगे, यानी नदी ऐसे भी बह सकती है कि ये इसकी ट्रिब्यूटरीज ऐसे मिल रही है, हो सकता है यहाँ मिले, हो सकता है इस ये वाला एरिया करके यहाँ पर मिले, ऐसे भी हो सकता है। द थर्ड पैटर्न इज रिक्टेंगुलर। रिक्टेंगुलर वहां पर होगा, सपोज अपना इंडिया है, अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट चूंकि स्लोप ज्यादा है, इस स्लोप के सहारे जो रिवर होगी ये फ्लो करती है और पैरेलली ऑल द रिवर्स आर फ्लोइंग पैरेलल टू ईच अदर, ये पैरेलल जो कि कर रहे हैं स्लोप के सहारे। तो जब ऐसा शेप में बहेगा नदी तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिक्टेंगुलर पैटर्न्स ऑफ ड्रेनेज, रिक्टेंगुलर। लास्ट पैटर्न इज रेडियल। रेडियल में क्या होता है, इसको अरि अपवाह भी कहते हैं, इसमें डोम स्ट्रक्चर टाइप का, डोम जिसको गुंबद कहते हैं, बीच में ऊपर एलिवेटेड पार्ट होगा, उठा हुआ भाग होगा, यहाँ से नदी यहाँ भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है, चारों तरफ, चूंकि ये 3D बोर्ड 3D नहीं है इसलिए हम इसके पीछे भी अगर नदी निकालेंगे तो ये दिखेगा, यानी जैसे हम सर पर पानी गिराते हैं तो पानी चारों तरफ दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ होता है, इसी तरीके से अगर यहाँ कोई ग्लेशियर मेल्ट डाउन होता है तो ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जाता है, चारों तरफ जाता है, इसी को बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज, रेडियल पैटर्न ऑफ ड्रेनेज। तो आई होप द वेरियस पैटर्न्स ऑफ ड्रेनेज इज क्लियर टू यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।